ठीक है, तो ये 8 जॉब्स पर आर जो है ये अपना क्या हो जाएगा, अराइवल की अपना लैम्डा होगा कि म्यू होगा, बिजी ठीक है। अब क्या कह रहा है, अस्यूम डेट द टाइम टू परफॉर्म ए जॉब, टू परफॉर्म ए जॉब, जॉब कौन परफॉर्म कर रहा है, ये सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहा है जॉब को, हाँ, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपना, ठीक है। जॉब हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ 6 मिनट्स, तो ये अपना क्या हो गया म्यू। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को सेम यूनिट भी लेके आना है, कैसे लेके आओगे, हु विल हेल्प मी बताओ। सिक्सटी अपॉन सिक्स तो सबसे पहले आप म्यू है ना, म्यू को बताओ, म्यू को कैसे कन्वर्ट करोगे, 60/6, तो ये कितना हो जाएगा अपना 10 जॉब्स, हाँ, मतलब ये हो जाएगा 10 जॉब्स पर आवर। तो आप पर आवर को ऐसे स्लैश लिख लो या ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, ठीक है। और दूसरा है लैम्डा, लैम्डा क्या है, 8 जॉब्स पर आवर, ये तो डायरेक्टली दे रखा है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करा करा 10 जॉब्स पर आवर, यहाँ पे इसने डायरेक्ट दे रखा है 8 जॉब्स पर आवर, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 8 जॉब्स पर आवर, ठीक है। ये पर को स्लैश से भी डिनोट कर सकते हैं, यहां तक तो कोई इश्यू है ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ से निकाल लिया, सेकंड हमको अब क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पूछता क्या है, द एवरेज एलेप्स टाइम फ्रॉम द टाइम द सेक्रेटरी रिसीव्स अ जॉब अंटिल इट इज कंप्लीटेड, क्या मतलब है कि कितना एलेप्स मतलब बीत गया, ऑन एन एवरेज कितना वक्त बीत गया, कहां से, फ्रॉम द टाइम द सेक्रेटरी रिसीव्स ए जॉब एंड कंप्लीट्स ए जॉब, जॉब रिसीव करने से लेकर जॉब कंप्लीट करने तक कितना टाइम एलेप्स हो गया है, कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो रिसीव करा होगा और उस काम को किया होगा, तो आप देखो मतलब कोई भी काम आता है उसको पहले क्यू में कोई भी काम है उसको जॉब को क्यू में लगना पड़ता है, स्टेशन सेंटर पे या सर्वर पे उसको सर्विस प्रोवाइड होती है, तभी तो वो काम फिर वो एग्जिट होता है, कोई भी जॉब या कोई भी कस्टमर फिर वो एग्जिट करता है। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह उसने काम कर लिया होगा, यानी कि सेक्रेटरी ने क्या किया होगा, रिसीव किया होगा जॉब, तब तक लोग यहाँ थे, फिर उसने कंप्लीट किया होगा तो लोग यहाँ आ गए होंगे या जॉब यहाँ आ गया होगा, फिर वो काम अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया होगा। तो इस हिसाब से क्या निकालना है, द एलेप्स टाइम, अब टाइम की जैसे बात आती है तो अब आप बताओ, WS हाँ, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा डब्ल्यू एस, यानी कि यहाँ पर भी कितना टाइम लगा और यहाँ पर भी कितना टाइम लगा, तो टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल मतलब एस है ना, तो डब्ल्यू एस का मतलब वेटिंग टाइम इन सिस्टम, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, ठीक है ठीक है। मैम, ये दोबारा से रिसीवर जॉब मतलब कि जब तक वो लाइन में भाई, एक लगेंगे। एक एक सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनके पास में फाइल्स आ रही है जॉब को, मतलब फाइल्स आ रही है, उनके पास फाइल आई है ना, फाइल लाइनों में लगी हुई है, ठीक है, लाइनों में लगी है, मतलब टेबल पे एक के ऊपर ऐसे लगी है, ऐसा समझो ना आप, तो एक फाइल को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को कंप्लीट करेगा, है ना, ऐसे ही होता है ना, तो वो यस जॉब मैम, कंप्लीट कर ले, हाँ, तो कितना वक्त बीत चुका होगा, कितना टाइम बीत चुका होगा ऑन एन एवरेज, तो टाइम की बात आ गई तो हमको डब्ल्यू, और टोटल तो मतलब एस, ठीक है, किसी को कंफ्यूज हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम अपने ए पॉइंट में क्या निकाल लेंगे, हम डब्ल्यू एस निकाल लेंगे, डब्ल्यू एस का फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यू निकाल दूं या आप निकाल लोगे, पॉइंट कितना हो गया होगा, क्या फाइव आया होगा, ये हाथी घोड़ा, मैम, ये होगा टाइम नहीं, आज। आर्स में, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ओके यहाँ तक छोड़ देते हो, मार्क्स है, मैं ये नहीं कह रही, पर आप इसको, मैंने आपको आगे सिखाया तो आप इसको आगे करो, तो आप बताने के लिए आपको हो जाएगा कि क्या, आपके 30 मिनट्स, तो 0.5 को किससे क्या करना पड़ेगा, 0.5 को ना मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। हाँ, तो क्या आया होगा, 40 मिनट्स, थर्टी थर्टी मिनट थर्टी थर्टी मिनट्स वेरी गुड वेरी गुड, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये देखो आपने आज नया सीखा, कुछ नया सीखा, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नया सीख रहे हैं, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स है ना, सिस्टम नंबर ऑफ जॉब्स, ये तो बड़ा आसान होता है क्योंकि एक तो टाइम की बात होती है और एक जॉब नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ मैम, कस्टमर्स, एल हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, एल एस निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, तो ये सिस्टम, तो एल एस का फॉर्मूला क्या होता है ना, लैम्डा अपॉन न्यू मैम। हाँ, तो बी क्या हो जाएगा अपना, एल एस लैम्डा, आप कॉपी में कर रहे हो क्या, कर यस मैम, लिया करो बच्चों, कर लिया करो, जो आज कर लोगे हो जाएगा, जो छोड़ दोगे वो रह जाएगा, तो अपना कितना हो गया ये, फोर हाँ, फोर फोर कस्टमर्स।
हाँ तो ये फोर कस्टमर्स, ठीक है, जो कि अपने क्या कर रहे हैं, टोटल सिस्टम में है, सिस्टम मतलब क्यू और सर्विस स्टेशन. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, समथिंग डिफरेंट टू लर्न द प्रोबेबिलिटी. सो देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको ये चीज जो होती है प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज, कोई भी शब्द यहाँ लिख दे. डेट द टाइम इन द टाइम आ गया, टाइम इन द सिस्टम इज ग्रेटर देन आधा घंटा, मतलब इसकी क्या संभावना है कि पूरे सिस्टम में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगने ही वाला है. इस लाइन का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, इसकी क्या संभावना है कि जो सिस्टम में आपको जो टाइम लगेगा वो आधे घंटे से ज्यादा लगेगा. ठीक है मैम, इसमें e की पावर माइनस फिर माइनस म्यू माइनस लैम्डा इनटू, हाँ तो आपको तो पता ही है, हमने आपको फॉर्मूला सीधा सीधा बताया, मतलब आप किसी चीज को पहचानो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपके मार्क्स है ना. तो सी करते हैं अपन यहाँ पर. सो व्हाट इज सी, सी आपने क्या बोला, आप निकालोगे ई की पावर माइनस म्यू माइनस लैम्डा इनटू टी, ये लगेगा ना मैम, हाँ हाँ यही लगेगा. ठीक है अब बताओ उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2.27. चलो 2.72 होता है, चलो लिख लिया. माइनस अपना म्यू कितना है 10, 10 माइनस 8 इंटू टाइम कितना है आधा घंटा. देखो ये आधा घंटा सॉरी ये घंटे में तो मैं डायरेक्ट ये घंटे में है तो इसको लिख सकती हूँ, मुझे इसको नहीं तो ये मिनट में होता तो मुझे इसे पहले घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता. बताया था ना मैंने ये वाली चीज बताई थी ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ये पहले से ये घंटे में तो ये भी घंटे में, तो अभी कन्वर्जन नहीं करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है ना. तो चलो क्या आया आपका आंसर, 1/2.72. देखो 2 से 2 कट गया तो आपका क्या हो गया, e की पावर माइनस 1 है ना, e की पावर माइनस 1 को आप कैसे 0.3621 आया क्या, 367. चलो ठीक है, मतलब आपके आंसर्स दिए हुए तो मैच कर रहा है ना, 76 आ रहा है, 3676 3676 आ रहा है. चलो मैं हाँ. चलो एक बार मैं देखती हूँ कैलकुलेटर पे, 3.3 हाँ 676 आ रहा है. ठीक है ठीक है, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली. चलो नेक्स्ट आ जाओ डी पॉइंट. डी पॉइंट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन फाइव जॉब्स इन द सिस्टम. भाई आप लोग ही बताओगे फॉर्मूला वाला लगेगा, एक मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ. लैम्डा अपॉन म्यू, हाँ डी पर आ जाते हैं मैम, इसको आएगा लैम्डा अपॉन म्यू पावर एन प्लस वन, नहीं एन ही आएगा मैम, मोर देन है ना ये लाइन है ना, ये ऐसे लिख के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ही है सर, लैम्डा अपॉन म्यू पावर एन मैम, प्लस वन वाला क्यों आया. देखो क्या बोल रहा है, लाइन पढ़ लो एक बार और आपको फॉर्मूला बताया है तो मैं आपको बोलूंगी n और n. देखो मोर देन, अगर आपको ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव जॉब्स, ये लाइन ना देते, ये लाइन ना देते तो आप बोल रहे हो ना, तब तो आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा म्यू की पावर एन. और आपको बोल दिया कि भैया ये वर्ड अटैच कर दिया तो इसका अर्थ बदल गया आपका. ठीक है अब ये लाइन दे दिया तो फॉर्मूला का मीनिंग अब क्या है, आप अपना आपके पास शीट है फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, इस लाइन से एग्जैक्ट हूबहू मैच करता है वो आपका लाइन, और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. और फॉर्मूला नंबर 4 भी देखिए, उसमें क्या लाइन कहता है, आपके पास शीट ओपन, आपके कॉपी में अब तक नोटेड हो जाना चाहिए था, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसको स्क्रीन पर मोबाइल में ऐसे नहीं देख सकते, आपको कॉपी में सब कुछ उतारना पड़ेगा. हाँ ना आ गया समझ में आपको कि ये नहीं लगेगा, n प्लस 1 हो जाएगा. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अब तो क्या आप लोग निकाल ही लोगे कितना कितना आएगा, 0.262. ठीक है मतलब ये हो गया क्या आपका, ये आ गया क्या आपका, हाँ मैम. तो ठीक है मैम, बहुत सिंपल है, मतलब यू आर क्लोज टू परफेक्शन है ना. और हाँ जी बेटा, ये जो सी वाला है ना, इसको एक बार सॉल्व करना सिखा दो. कौन बोल रहा है, एक बार नाम बताओ एक बार. कृष्णा. हाँ मैम फाइनल आंसर 0.32. ये वाला जो सी पॉइंट है, देखो आपको यहाँ तक समझ में आया कृष्णा,
हाँ मैम आ गया वो तो, अच्छा ये 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर ये 1 बाय 2, 2 में से 2 कटा तो e के पावर माइनस 1। अब कभी भी पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, अगर माइनस में हो तो हम उसको अपॉन में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो गई है ना। अब e की वैल्यू 2.72 होती है, क्या होती है 2.72। हाँ तो 1 कैलकुलेटर पे 1 दबाओ, 2.72 लिखो, हाँ मैम आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, चलिए आप प्लीज बच्चों आपको बोल रहा तो मैं रुक जाऊंगी, आप स्क्रीन से प्लीज नोट कर लीजिए, पर आप ना देखो ये लिख दिया, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी और डी, फटाफट नोट कर लो, डू फास्ट। लिख लिया मैम। पता है जो नोट नहीं करते, जो नोट नहीं करते फिर वही क्लास में से चले जाते हैं बच्चे, ऐसा मत करो बेटा, आप लोगों को आए हो तो कर ही लो, पढ़ ही लो। अब यार आप लोगों के वहां पे भी गर्मी बहुत पड़ रही है क्या? हाँ मैम बहुत है। हाँ मैम बहुत ज्यादा। यार टेम्परेचर पता कितना है, अब 40 के करीब पहुंच गया, अभी प्रेजेंट 36 है आज, अभी राइट नाउ इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है यार। एसी चला लूं मैं? क्या एसी चला लो? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपने क्वेश्चंस ही करवाए हैं क्या अभी तक? हु इज दिस हु जॉइन लेट? मैम आरजी, मैम घर पे आई हूँ ना आज तो मैम ज्वाइन नहीं कर पाई थी। हाय वेलकम टू सूरत गर्ल्स आरजी। थैंक यू मैम। सो इज देयर एनी न्यू नेटवर्क प्रॉब्लम देयर? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं था, बस अभी थोड़ी देर आराम ही किया था, पहले क्लास ली थी मैंने okay. उसके बाद वो एक क्लास में सो गई भी थी। कोई बात नहीं, 10 मिनट्स पढ़ लेते हैं अभी, अभी देखो क्लास आ जाएगी। क्या करवाया था आपने? देखो देखो ये छोटा सा नन्ना मुन्ना एक क्वेश्चन कराया था मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना कर लेना। क्यू वाले चैप्टर में से करवाया है ना मैम आपने? मैंने आपको शीट भेजी है, आपको मिली है सबको ये शीट है क्या? यस मैम यस मैम। हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? नाउ हम करेंगे एक क्वेश्चन और लेंगे, मैं आज लास्ट क्लास रखूंगी बेटा, बहुत बहुत प्रैक्टिस कर ली है हम लोगों ने, पता है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो करो, मुझे सेंड करो प्रॉब्लम, पूछो, मैं नहीं पिक कर पाऊं फोन तो मैं वैसे तो आई कॉल बैक स्टूडेंट जो मुझे पूछता है। कुछ दिख रहा है क्वेश्चन गाइस? ऑल ऑफ यू कैन सी नाउ? यस मैम। सो दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन, हो गया ये हमने कर लिया था क्या? नहीं मैंने करा मैम, मतलब अच्छा 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 ठीक है ठीक है, विल डिस्कस, क्योंकि एवरी टाइम ईच क्वेश्चन इज ब्रिंगिंग सम न्यू इंफॉर्मेशन टू लर्न, सो हमको करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, इन अ बैंक, क्या बोलता है? एक बैंक है, देयर इज ओनली वन, इसको वन कर लेना, ओके? वन विंडो, एक एक ही विंडो है, एक ही काउंटर है, ठीक है? सॉलिटरी एम्प्लॉय परफॉर्म्स ऑल द सर्विस रिक्वायर्ड एंड द विंडो रिमेन्स, अब देखो विंडो क्या है, रिमेन्स कंटिन्यूसली ओपन फ्रॉम, ऑफिस टाइमिंग्स क्या है ये देख लो आप, आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्या है ये देखो, 7 AM to 1 PM घंटे गिनो, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे काम किया उसने, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तो ये हो गया आप 6 घंटे ओपन रहता है ऑफिस, ऐसे समझो ये 6 आवर्स ही आपकी क्या है वर्किंग होती है, work. है ना? हाँ तो ये ऑफिस के 6 घंटे काम होता है और कुछ नहीं होता, तो 8 घंटे मान के चलते हैं, कॉस्टिंग में भी पता होगा आपको। इट हैज डिस्कवर्ड दैट, ये देखा हमने कि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स इज 54 ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में कितने कस्टमर आएंगे? पूरे दिन में 54, हाँ पूरे दिन में 54 कस्टमर्स आएंगे, 9 कस्टमर्स पर आवर, हाँ तो आप क्या करोगे पर आवर में कितने कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि पूरे दिन में 6 घंटे ही काम होता है, तो आप लैम्डा कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे निकालोगे, आपको यहाँ सिखाती हूँ कि 54 कस्टमर्स आते हैं 6 घंटे में, है ना? तो 1 घंटे में कितने आएंगे, 54 by 6 तो कितना हो गया 9, है ना? तो आपका ये कितना हो गया, और म्यू ये देखो एवरेज सर्विस टाइम, ये सर्विस देख रखा है, सर्विस म्यू दे रखा है, तो इसको क्या करोगे 60 by 5 12
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को बिल्कुल भी, नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, क्वेश्चन तो कर रहे हो ना आप लोग, क्योंकि मैंने आज मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी ये चीज, वो देख बाद में अपन, अभी जब क्लास हो जाएगी ना तब। अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या पूछता है, एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्या पूछता है एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स सिस्टम में, नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्लाइंट्स मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं इन द सिस्टम, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया, कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं इसमें, तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर एस निकालना है, एल और एस निकालना है, है ना। तो चलो आपको निकालना है एल एस, एल एस का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस लैम्डा। देखो कुछ है ही नहीं, आप तो बोलोगे मैम ऐसे फालतू में टाइम पास कर रही है आप खुद ना, अगर आपने अभी यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर मांगा तो मैम ऊपर बी पार्ट में जब कराया था ना सेवेंथ का, सेवेंथ का, हाँ सेवेंथ का जो बी पार्ट कराया था ना, हाँ मैम फॉर्मूला गलत लिखा है आपने अभी, लैम्डा स्क्वायर नहीं लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, किसका मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखना चाहिए अपन को, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस म्यू माइनस लैम्डा, ऐसे है ना। थैंक यू बच्चों, जल्दी का काम शैतान का है ना, थ्री कस्टमर। अच्छा अब बताओ सेकंड पॉइंट क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम, ये भी डायरेक्ट ही बोलता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या निकालना है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, सिस्टम ही मानेंगे ना अगर वो है साइलेंट तो, ऑन एन एवरेज वेटिंग टाइम, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना वैसे तो देखो डब्ल्यू क्यू निकालना चाहिए, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है डब्ल्यू क्यू, साइलेंट है तो डब्ल्यू क्यू निकालना, मैम बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू क्यू ही लेके चलना पड़ेगा कि अगर साइलेंट होएगा तो, हाँ 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 ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लैम्डा अपॉन म्यू म्यू माइनस लैम्डा, एक मिनट मेरे को स्पेस नहीं मिल रही, मैं नीचे लिख देती हूँ, बी पॉइंट है ना, हाँ क्या होगा डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला, अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन में आप वैल्यूज रख के निकाल लोगे, है ना। अब सी पॉइंट क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी, है ना द प्रोबेबिलिटी, बस थोड़ा यहाँ ये वाली प्रैक्टिस हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लाइंट हैज टू स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स इन अ सिस्टम, इसकी क्या संभावना है कि कस्टमर को 10 मिनट से ज्यादा वेट करना ही करना पड़ेगा, एन प्लस वन आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूला बोल दो, लैम्डा अपॉन म्यू एन प्लस वन ही, लैम्डा अपॉन म्यू एन प्लस वन, देखा ना शाबाश, ये कौन था, मैम रिद्धि, रिद्धि पढ़ो आप ओएमएसएम नहीं पढ़ते हो बेटा, पता चल ये नहीं, मैम डब्ल्यूएस आएगा, मैम प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, मैम प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, देखो आपने जो बोला ना वो है कि उस, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि फिफ्थ फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला रख दिया धड़ल्ले से, probability that client has to spend that more than 10 minutes in a system, उसको 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, कुछ चीजें ऐसे निकालनी, सोचो कि number of customers के form में पूछ रहा है कि वो आपको time के form में पूछ रहा है, मैंने तो ये तो नहीं बोला कि इसमें ना 6 or more customer, वो आप जो formula बोल रहे हो ना, ये जो आप बोल रहे हो ना n या n number of customer given होते हैं, क्लाइंट को कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि वो बोल रहा है कि एक क्लाइंट को 10 मिनट से ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं, लैम्डा अपॉन म्यू होगा, लैम्डा अपॉन म्यू, आगे क्या बोल रहे हो, आगे बोलो, यही था मैम शायद थर्ड फॉर्मूला, अच्छा ये किसी को समझ में आया कि टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स रिलेटेड बात कर रहा है, टाइम से, नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा,
मैम जो अपन ने ऊपर फॉर्मूले लगाए थे ना वो लैम्डा अपॉन म्यू एन प्लस वन वाला, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स पूछेगा तब वो वाला आएगा, है ना? ये देखो यहाँ तो अलग चीज पूछी थी तुम लोगों, ये चीज जॉब्स की विनती, यहाँ पे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ जॉब्स दे रखा है, वो अलग चीज होती है। और यहाँ पे देखो ये डी को कंपेयर करो, ये डी की भाषा और इसके इसकी भाषा एक ही थोड़ी है, सबकी भाषाएं तो अलग अलग है, आप एक ही मान के चल रहे हो। More than 10 minutes. बताओ बताओ क्योंकि देखो मोर देन मैंने जो बोला उस लाइन को पकड़ लो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। फॉर्मूला नंबर 9th, ये लाइन पूरी लिख लेना पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन एक्सीड्स टी, हाँ 10 मिनट्स एक्सीड्स टी वाला ही है ना, तो इसका फॉर्मूला लिख बताओ मेरे को। मैम एक मिनट को बताना, लाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पहले 10 मिनट से इसको घंटे में बदलूंगी पहले तो, है ना मैम? मैम 10/60 मैम एक बार बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बता रही हूँ मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, अभी सही जवाब आ जाएगा तो अभी बिल्कुल ठप्पा लग जाएगा, ये 1/6 आर हो गया ठीक है। अब यहाँ 10 मिनट्स यूज नहीं होगा, ये यूज होगा क्योंकि म्यू और लैम्डा आपके पहले से घंटे में कन्वर्टेड है ठीक है। कुछ कुछ याद आ रहा है? माइनस अच्छा एक्सीड्स टी वाले तो है ये, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला यूज करा है क्या हमने कभी? अभी हाँ, अभी इससे ऊपर वाले में किया था ना, हाँ इससे ऊपर वाले में यूज कर लिया है ना यहाँ पे, ग्रेटर देन मोर देन क्या फर्क पड़ता है, ग्रेटर मोर अंग्रेजी का मतलब एक ही होता है ज्यादा ठीक है। लगाओ एक ही पावर U म्यू कितना है मैम, ये क्या लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन, मतलब ये पूरी लाइन लिख लो क्वेश्चन के अंदर कि प्रोबेबिलिटी दैट क्लाइंट हैज टू स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स, क्लाइंट स्पेंड्स मोर देन 10 मिनट्स ठीक है। वो पूरी का पूरी क्वेश्चन का लाइन लिख ली आपने, उसके बाद में आप ये फॉर्मूला लगा दो। लिखू पूरा? नहीं नहीं मैम लिख लिया मैंने खुद ने। चलो वैल्यू पुट करवाओ, लैम्डा कितना है अपना, म्यू कितना है अपना, कितना है कस्टमर है लैम्डा 12 और 9 और टाइम कितना लगाना पड़ेगा, येरा टाइम आपने यहाँ कन्वर्ट कर लिया था ना, 0.6 हाँ ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/6। फिर e की पावर -12 में से 9 गया, तो क्या हो जाएगा e की पावर -1/2, तो उसको 9 माइनस में तो पावर हमको चाहिए ही नहीं, e की पावर 1/2 है ना, इसको क्या कर दूं ऐसे लिख दूं क्या, कैलकुलेटर पे 2.72 लिख के और रूट का बटन दबा दो, पहले बताओ 2.72 को अपने किया 1.649 आया मैम, 649 आया ना, बस कर दो कैलकुलेटर पे 1.60 आ गया, यही आया क्या? हाँ मैम यही आ रहा है क्या, देखो इसने 2 डिजिट पे रखा है लेकिन आपका आ गया ना, आया क्या? हाँ मैम इजी था दस मैम, तो मतलब आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ रहे हैं। हाँ देखो आपने दो बजवा दिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास मैसेज आने लग गए, मतलब व्हाट्सएप ठीक है। चलो मैं आप लोगों को ये क्लास मैंने डिस्कस कर ली है और मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ ठीक है, एक सेकेंड आप रुहे ही रहिएगा।